रखिए 2 गज की दूरी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आरसीए ने अपने प्रस्तावित दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए जमीन के दस्तावेज हासिल कर लिए। बता दें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अब भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम भी बनने जा रहा है। ये स्टेडियम जयपुर में बनेगा और इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने शुक्रवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन का पट्टा सौंप दिया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने दिल्ली रोड पर चौप गांव में बनने वाले स्टेडियम के लिए आवंटित जमीन का पट्टा सौंपा। इस मौके पर वैभव गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि करीब 100 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम का 2.5 से 3.5 साल में काम पूरा किया जाएगा। 2.5 महीने में इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीसीसीआई की तरफ से 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल चुकी है, 90 करोड़ रुपए आरसीए और अन्य सहयोग से जुटाए जाएंगे। बिजौलिया अपने वोट का सदुपयोग कर ऊपरमाल की शिवपुरी धरती का कर्ज चुकाने के साथ ही क्षेत्र के चहुमुखी विकास में भागीदार बने, तभी जीवन सार्थक होगा। जब जनता अपने मताधिकार का महत्व समझे, जनहितैषी जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। भीलवाड़ा के पूर्व जिला प्रमुख ईजी कन्हैयालाल ठाकर ने बिजौलिया पंचायत समिति की नव गठित ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेड़ा में 50 लाख की लागत से निर्मित होने वाले पंचायत भवन के शिलान्यास समारोह के दौरान उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। बिजौलिया पंचायत समिति की नवगठित ग्राम पंचायत लक्ष्मीखेड़ा में 50 लाख की लागत से 7.5 बीघा जमीन में निर्मित होने वाले पंचायत भवन और अन्य सहायक भवनों के निर्माण का शिलान्यास समारोह और पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया गया। भीलवाड़ा के पूर्व जिला प्रमुख ईजी कन्हैयालाल धाकड़ के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ रहे। साथ ही अध्यक्षता बिजौलिया प्रधान आशा कुमारी भील ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपप्रधान कैलाश धाकड़, विकास अधिकारी प्रभुलाल धाकड़, परिषद सदस्य अंकित तिवाड़ी, अंसार खान आदि मौजूद रहे। तो वहीं शाम 6 बजे लक्ष्मीखेड़ा पहुंचते ही ग्रामीणों ने सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते गांव में शोभा यात्रा निकाली, साथ ही जगह जगह वर्षा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी ग्रामीण जन प्रबुद्ध जन जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर झालावाड़ से है, जहां जिले के डग में युवक का अपहरण करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से एक युवक अभी फरार है। तो वहीं अपहृत युवक देवी सिंह को पूर्व में पुलिस पहले भी दस्तयाब कर चुकी है। गत 17 फरवरी को युवक का अपहरण किया गया था। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने शुक्रवार शाम प्रेस नोट जारी कर बताया कि 17 फरवरी 2021 को मदन सिंह निवासी सकतपुर के यहाँ इनका भानेज कालूकेड़ा निवासी देवी सिंह आया हुआ था, जो रात को 9 बजे सकतपुरा गांव से मध्य प्रदेश के खोरिया गांव की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में नदी के पास उमराव सिंह, धारा सिंह, नागो सिंह निवासी कालूखेड़ा, उमराव सिंह नाहरघट्टी ने अपहरण कर लिया, जिस क्रम में युवक को रतनपुरा से दस्तयाब किया गया। वहीं तभी से आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और अभी एक आरोपी प्रधान सिंह, पिता सरदार सिंह निवासी परसपुरा मध्य प्रदेश फरार है। दिनांक 18 फरवरी 2021 को मदन सिंह, पिता सरदार सिंह, जाति सोनिया राजदूत निवासी सकतपुर का थाने पर उपस्थित आया और उसने एक रिपोर्ट कराई कि कल दिनांक को मेरा भानेज, जिसका नाम देवी सिंह है, जो निवासी केलोखेड़ा का है, जो सकतपुर से खेले गांव की तरफ जा रहा था और बीच रास्ते में उसने उमराव सिंह, शिव सिंह, बालू सिंह, नागू सिंह ने उसका अपहरण कर लिया। इस पर हमने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। घटना के दूसरे दिन ही उसको अपहृत देवी सिंह को दस्तयाब कर लिया था। उसके बाद से मुकदमे का अनुसंधान किया जा रहा था और तो कल दिनांक को हमने अपहरण में जो शामिल व्यक्ति थे, इनमें से तेजू सिंह, बालू सिंह, उमराव सिंह और दारा सिंह, 4 जनों को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया गया है, जिनको 4 दिन की रिमांड पर हमने प्राप्त किया है और इसमें आगे अनुसंधान जारी है। खबर बावड़ी से है, जहां उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कहा है कि मनुष्य और पर्यावरण दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें अलग करना कठिन है। पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता, सजगता और दायित्व का पूर्ण ईमानदारी से हर इंसान को निर्वहन करना होगा। राजीव गांधी युवा क्लब के संस्थापक अध्यक्ष शिवकरण सैनी ने बताया कि कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बुधवार को राजीव गांधी युवा क्लब के महात्मा गांधी सेवा सदन परिसर में 21 पौधे लगाकर हरित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया।
इस दौरान उन्होंने उपस्थित युवा कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और युवाओं से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक आवश्यकता मानते हुए अधिकाधिक पौधारोपण करें और आम लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाएं। इसके बाद जिला कलेक्टर ने महात्मा गांधी सेवा सदन परिसर के बाहर बनाए गए चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। घटना जनपद जौनपुर की है, जहां 1 जुलाई 2021 को हौसला बुलंद दबंग पाटीदारों ने रात 10 बजे पत्रकार कृष्ण चंद्र मिश्रा पुत्र कर्मचंद निवासी गौराडीगुआ पर लात घुसे और ईंट पत्थर से बुरी तरह घायल कर दिया था तथा नवासे की जमीन पर रह रहे विगत कई वर्षों से पड़ोसियों की नियत खराब होने पर यह हथकंडा अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। साथ ही एक योजनाबद्ध तरीके से पत्रकार कृष्णचंद जैन अपने परिवार के साथ घर में बैठकर खाना खा रहा था कि अचानक से दबंगों ने हमला बोल दिया। बीच बचाव कर रही पत्नी को जबरन बेआबरू करने का खिनौना प्रयास किया गया। पत्नी के साथ अभद्रता की हदें पार कर कपड़े फाड़ दिए और धमकी दी कि जमीन छोड़कर नहीं गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं अब परिवार में इलाज जारी है। थाने पर प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे तो थाना प्रभारी गौरा बादशाहपुर की तुगलक की फरमान जारी है कि विपक्षियों के द्वारा थाने पर रस्म अदायगी के उपरांत मामले में लिपापोती में जुटी है। साल से मेरा रहना वहां पर होता है, मेरे सास ससुर का कोई दखल नहीं, लेकिन जब विवाद बंटवारा कब का हो चुका है, विवाद करने के लिए पड़ोसियों से मैं कहता हूं बात कर लो, संवाद कर लो, तो वो लोग मुकर जाते हैं। केवल वो लोग जो है रार खोजने पर आमादा हैं, अपनी निकृष्टता को पहले जी की कायम रखे हैं और केवल उन लोगों को मार ही सूझती है, बात नहीं सूझती। कल मैं अखिलेश यादव का जन्मदिन था, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा था, हम लोग न्यूज कवर कर रहे थे, देर रात में 8:30 बजे पहुंचा हूं। इसके बाद मैं बच्चों में बिजी था और 10:30 बजे करीब हम 10:15 बजे भोजन कर रहे थे घर में परिवार के साथ। हमारे दरवाजे पर आकर भद्दी भद्दी गालियाँ देकर ईंट पत्थर मारने लगे। मैं निकल के उसका प्रतिकार किया तो हमारी ये दशा कर दी गई कि मुझे चेस्ट में पेन, सर में बुरी तरीके से मैं जख्मी हूँ और मेरे हाथ में स्वेलिंग है, मारा गया है। इसकी सूचना थाने में दी थी आपने? तत्काल हमने यशो गौरा बादशाहपुर श्री प्रकाश राय को दिया हमने सूचना, उन्होंने चौकी इंचा। खबर कानपुर से है, जहां देहात 27 जून को पुखराया कस्बे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर पंडाल लगाया गया, जिसमें करीब 3 से 4 दर्जन हरे पेड़ काट दिए गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष पांडे ने प्रशासन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोबारा पेड़ लगाए जाने की मांग की। तब प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था, हालांकि अभी तक कोई पेड़ नहीं लगाया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कानपुर देहात जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर दोबारा वृक्षारोपण करने की मांग की है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के चिलिया थाना अंतर्गत बेलवा गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पड़ोस में रह रहे व्यक्ति ने अपने ही पाटीदार को चुनावी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से काट डाला। पूरा मामला चिलिया थाना अंतर्गत बेलवा गांव का है, जहां मृतक अजय शाम को मछली बेचकर घर पहुंचा, तभी घर पर आए कुत्ते को खदेड़ने लगा। इस दौरान दिल में चुनावी रंजिश को लेकर पाटीदार के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बचाव में आए अजय के पिता और उसके भाई पर हमला बोल दिया। उसी हमले में अजय के परिवार से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में जारी है। इस हमले में कुल्हाड़ी लगने से अजय को काफी चोट आई और उसे भी जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। कॉलेज पहुंचते पहुंचते ही अजय की मौत हो गई। घटना का अंजाम देने वाला होमगार्ड पद पर तैनात था। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटी है ये घटना घटी है सर, चुनावी रंजिश था, उसी में हम लोग उसका सपोर्ट नहीं किए तो दारू पी के गांजा पी के डेली आता था, हम लोग को गाली दे रहा था। कल ऐसा हो गया कि घर पे भाई आए काम करके, तो घर पे कुत्ता आया था तो उसको भगाने लगा, मारने लगा कि मारते हुए रोड पे कर दिया। तब तक वो लोग बाहर से निकले सर कुल्हाड़ी लेके, भाई को मारने लगे और मारते मारते पिताजी ऊपर से छत से नीचे आए, उनको भी पकड़ के मारे, उसमें मेरा मझला भाई भी गया सर, उसको तो जान से ही मार दिए। चार लोग थे सर, 3 लोग घायल हैं, एकदम एक्सपायर कर गए हैं सर। ऐसा काम अब क्या चाहते हैं आप? अब सर वो लोग को सजा दिलाई अच्छे से, ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई। ये चिलिया थाने के अंतर्गत बिलवा गांव में अजय चौधरी नाम के व्यक्ति ने विक्रम चौधरी के कुत्ते को हर शाम को कुछ अमर्यादित टिप्पणी की, जिस पर विक्रम चौधरी को लगा कि वो उसके बारे में टिप्पणी कर रहा है। इसी बात को लेकर के दोनों परिवारों के मध्य झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अजय चौधरी की मृत्यु हो गई। संबंधित से तहरीर लेकर के
अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। क्या इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? जी हाँ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां एत्मादौला क्षेत्र में महिला ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपनी बहन की शादी देवर से हो जाने से नाराज थी। आगरा थाना एत्मादौला क्षेत्र के विद्यामपुरम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मकान में अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। क्षेत्रीय लोगों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। खून से लथपथ महिला की लाश फर्श पर पड़ी थी, तो वहीं पास में एक तमंचा पड़ा था। सूचना पर थाना एत्मादौला का फोर्स मौके पर पहुंचा। जानकारी लगने पर पता चला कि मोना दुबे ने तनाव में आकर घर में रखे तमंचे से गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सर, आज एत्मादौला थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने तमंचे से गोली मार के आत्महत्या की है, सर क्या सर पूरा मामला है? देखिए, एत्मादौला थाना क्षेत्र में फाउंड्री नगर चौकी इलाके में शोभा नगर एक जगह है, वहाँ पर हमको लगभग सुबह 10:30 बजे एक महिला की मृत्यु की सूचना आई, जिसमें तमंचे का उपयोग किया गया। महिला का नाम मोना दुबे है। अभी सारी जो टीम है उन सबको मौके पर रवाना किया गया है। एक्सपर्ट की टीम जो है उसकी जांच कर रही है। सर, जो तमंचे से गोली मारी गई है सर, वो लाइसेंस ही है कि अवैध तमंचा है? जी, वो लाइसेंस का तमंचा नहीं है, ये देसी कंट्री मेड वेपन है। उसको तमंचा बरामद हो गया है, तो खाली कार्ट्रिज पर बरामद हुआ। खबर आगरा से है, जहां डॉक्टर और रेलवे कर्मचारी मिलकर गिरोह चला रहे थे, तो वहीं पुलिस ने फर्जी कागजातों पर फाइनेंस करते हुए पकड़ा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी कागजातों पर फाइनेंस करते थे, बाइक फाइनेंस किए जाते थे, इसके बाद किश्त जमा करते थे, साथ ही लोगों को फाइनेंस कराई गई बाइक बेच देते थे। इस फर्जीवाड़े में ये 2015 से शातिर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 बाइक बरामद की है, साथ ही लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामान जब्त किया। इनके काम करने का कितने लोगों गिरफ्तार किया, बरामदगी क्या इनके पास हो पाई? थाना प्रभारी बरहन ने काफ़ी एक बढ़िया खुलासा किया है। एक गैंग जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करता था, फर्जी दस्तावेज के आधार पर गाड़ी फाइनेंस कराते थे। उस गाड़ी को एक व्यक्ति जो कि बरहन क्षेत्र में ही अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, उनके माध्यम से कस्टमर इकट्ठा करते थे और उनको बेचते थे। जो अभी तक की हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला है, इसमें एक विजय नाम का व्यक्ति है जो कि नरसिंह सत्येन सिंह इनके साथ मिलकर, राहुल गोयल ये एक प्रिंटिंग प्रेस वाला है जो कि अभी तक की जांच में ये आया है सामने कि ये जो भी कूट रचना, आधार कार्ड, पैन कार्ड या इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या गाड़ी का RC जिसे हम कहते हैं, इसमें कूट रचना करके उसमें नाम बदल देना, उसमें पता बदल देना, उसमें और डिटेल चेंज कर देना, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कर देना, ये सारा राहुल गोयल के माध्यम से ये कराते थे। जो इसमें जुगल किशोर हैं बरहन के, ये कस्टमर ढूंढते थे। कस्टमर को ये बताया जाता था कि हम कैंटीन से गाड़ी उठा रहे हैं, कैंटीन से सस्ते में मिल जाती है, उसमें टैक्स नहीं भरना पड़ता। जो गांव के कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती, वो इनके बहकावे में आ जाते थे। बहकावे में आने के बाद 5,000, 10,000, 15,000 जो भी उनको लगता था कि इतना गाड़ियों में सस्ता मिल रही है, 60,000 की गाड़ी 50,000 में मिल रही है, 45,000 में मिल रही है, ये लोग इनके माध्यम से खरीदते थे। और इसमें जो सबसे बड़ा जो लॉस होता था वो फाइनेंस कंपनियों को होता था। फाइनेंस कंपनियों को इन लोगों ने या तो एक गाड़ी का एक किस्त जमा की या फिर वो भी जमा नहीं की, और फाइनेंस कंपनियां इसमें वसूली अपना जो भी इनका रिकवरी है वो इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि इनके द्वारा जो दस्तावेज जमा किए गए थे उस पर जो एड्रेस था, उस पर जो फ़ोटो था, उस पर जो नाम था, वो एकदम अलग था। एक जो दस्तावेज हमने जब RTO कार्यालय से हमने निकलवाया, उसमें ये मालूम चला कि इसमें जो मेन अभियुक्त विजय है उसकी फ़ोटो लगी है, लेकिन नाम किसी और का लगा है, जो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। एड्रेस ऐसा लिख रखा है जहाँ पर वो व्यक्ति कभी निवास नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के माध्यम से ये जानकारी की है। जो बरामदगी है, इसमें 3 स्प्लेंडर है, 1 अपाचे है, इसके अलावा 1 कंप्यूटर है, 2 प्रिंटर बरामद हुए हैं। साथ के साथ जो कूट रचित दस्तावेज हैं, RC की कॉपियां हैं,
इसके अलावा जो कि इन्होंने कंप्यूटर पे कुछ दस्तावेज सेव कर रखे हैं वो भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हमको मिले हैं। हम इसमें साइबर सेल के माध्यम से भी और इसमें गहराई से जांच और छानबीन कराएंगे ताकि जो चीज़ें और इसमें दबी हुई हैं वो क्लियरली सामने आए। इसमें जो फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनसे भी ये पूछा जाएगा कि जब इनके द्वारा फर्जी एड्रेस दिखाया गया तो उस एड्रेस को किसके द्वारा वेरीफाई किया गया, कहीं जिसके द्वारा वेरीफाई किया गया क्या उसकी भी संलिप्तता इस घटना में है कि नहीं है, अगर उसकी संलिप्तता आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। टोटल जो अरेस्टिंग है वो 4 लोगों की है, जुगल किशोर, नरसिंह, सत्येंद्र सिंह, राहुल गोयल, बरामदगी मैंने आपको बता दी, और इस पूरी घटना को खोलने का श्रेय थाना प्रभारी बरहन और उनकी टीम को जाता है। कब से काम कर रहे थे और कितनी गाड़ियों की फाइनेंस अभी तक की है? जो हमारे पास जो सबसे पुरानी गाड़ी मिली है वो 2015 की गाड़ी मिली है। इसके अलावा कितनी गाड़ियां इन्होंने ऐसे इस तरीके से फाइनेंस कराई हैं, इस तरीके से बेची हैं, उसके संबंध में गहराई से भी छानबीन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी चीज़ें सामने आएंगी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर बिजनौर से है जहां NH-74 पर मेडिकल स्टोर से अपने बीमार पति की दवाई लेकर लौट रही महिला और मासूम बच्ची को अनियंत्रित डंपर ने कुचल दिया। हादसे में महिला और मासूम बच्चे की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर करीब आधा घंटे तक जाम लगाया। पुलिस ने किसी तरह समझाइश कर जाम खुलवाया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। आपको बता दें कि धामपुर नगीना मार्ग स्थित ग्राम मंजोड़ा शाकरू में नुसरत जहां पत्नी आरिफ अहमद अपने जेठ की 1 वर्षीय बच्ची लायबा को साथ लेकर पति की दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर गई। हाईवे 74 पर PNC कंपनी के तेज रफ्तार डंपर ने महिला और बच्ची को टक्कर मार दी। इस हादसे में उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। औरत का नाम नुसरत और इनके पति का, इसके पति का आसिफ। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मंजेड़े के, इबड़ी मंजेड़े के हैं। अच्छा, इसकी जो लड़की है दूसरी छोटी बच्ची है उसके अम्मी का नाम हीना है। और ये जो मरी इनका क्या नाम है? इनका नाम नुसरत है। नुसरत, और ये इनकी मम्मी है? नहीं, छोटी बच्ची जो है उसका नाम है लायबा। मतलब ट्रक जा रहा था, ये रोड क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस करते हुए लेने आ रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बच्ची की? छोटी बच्ची बच गई थी, इनकी लड़की है। इनकी हालत देख लो, इसकी मौत की हालत देख लो। लड़की लड़की बच गई थी, उसने रिवर्स में चढ़ाया पहिया उसके ऊपर। उसने? हाँ, ट्रक वाले ने। ट्रक वाले ने वापसी में चढ़ाया रिवर्स में। खबर रायबरेली से है जहां चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं चोरी जैसी घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं। महज 1 सप्ताह में पूर्व उचाहर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक ही दिन में 3 घरों को निशाना बनाया। तो वहीं बीती गुरुवार रात को ऐसा ही मामला सामने आया। सरेनी क्षेत्र के डीगिया ग्राम सभा के पेरुनाथु गांव में जब देर रात घर के सभी लोग बाहर सो रहे थे, एक चोर ने घर को निशाना बनाकर घर में रखा सारा सामान उठाकर ले गया। परिजन जब सुबह घर का दरवाजा खोलकर उठे और आंगन का जाल तोड़कर चोर घर में प्रवेश कर सारा सामान ले गए। सामान इधर से उधर बिखरा हुआ मिला। घर की ऐसी हालत देख सारे लोग सन्न रह गए। तो वहीं लोगों ने शोरगुल किया। शोरगुल सुनते ही पड़ोस के सारे लोग एकत्रित हुए और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाने पर दी गई। तो वहीं परिजनों से तहरीर थाने में देने को कहा। परिजनों द्वारा थाने में तहरीर देने पर पहुंचे थाना प्रभारी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। तो वहीं परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही चोर पकड़ लिए जाएंगे। तो वहीं पीड़ितों ने बताया कि उनके घर में रखा लाखों का सामान, जेवरात, नकदी और जरूरी दस्तावेज घर से गायब हो गए हैं। उन्होंने तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। चोरों की तलाश जारी है। खबर आगरा से है जहां पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर कल से धरने पर बैठी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा शहीद की पत्नी के धरनास्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर अपनी पार्टी से निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर भोज के लिए आने के बाद भी शहीद की वीरांगना से मिलने नहीं पहुंचे, जिसके बाद शहीद की वीरांगना के पास धरनास्थल पर विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। वीरांगना से मिलने आगरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी धरनास्थल पर पहुंचे और पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वाजिद निसार का कहना है कि शहीद की पत्नी के धरनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर उप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता से मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन देशभक्ति की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री के पास शहीद की पत्नी से मिलने का समय नहीं रहा।
वहीं पत्नी ममता रावत का कहना है कि जब तक शहीद की शहादत पर जो घोषणाएं हुई थी जब तक पूरी नहीं होती वे धरना समाप्त नहीं करेंगी। नाम बता। मैं चौधरी वाजिद निसार, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज आप शहीद की वीरांगना से मिलने के लिए आए? आज हम यहाँ स्मारक पर शहीद कौशल जी के आए हैं और बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे शहीद का परिवार उनकी धर्मपत्नी कौशल जी की भूख हड़ताल पर बैठी है। 100 मीटर शहीद स्मारक के 100 मीटर उप मुख्यमंत्री आ सकते हैं, लेकिन एक शहीद की विधवा बैठी है धरने पर अपनी मांगों को लेकर जो घोषणा की गई थी, एक शहीद को दर्जा जो मिलता है, जो मुआवजा मिलता है उसकी मांग को लेकर, उन मुख्यमंत्री पे जो बहुत बड़े देशभक्ति की बातें करते हैं वो उनसे मिलने का समय नहीं था और 100 मीटर एक अपनी पार्टी के नेता से मिलकर चले गए। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज शहीद के परिवार से मिलने आए। इनकी लड़ाई में हम लोग समाजवादी लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इनको हक दिलाने का काम करेंगे और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जो मदद करेंगे वो करेंगे, लोकल स्तर पर समाजवादी लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम साहब का ये कहना था कि मुझे जानकारी नहीं थी, ऐसा हो सकता है कि पूरा प्रशासन अमला कल से यहाँ टेस्टिंग ले रहा है इनकी, पूरा सरकारी कर्मचारी आके इनका बीपी और शुगर चेक कर रहे हैं और इन लोगों को पहले भी शर्मा जी टाइम दे चुके हैं, इनके कार्ड तक बट गए थे कि शर्मा जी ने समय दिया है वो आ रहे हैं और लास्ट टाइम पर उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और आए नहीं यहाँ पर। ये झूठों की पार्टी है, झूठों की सरकार है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा विकल्प या दूसरी बात नहीं। क्या मानते हैं जिस तरीके से देशभक्ति की बातें करते हो शहीद की, इनकी कथनी और करने में फ़र्क है, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जनता इनको समझ रही है देख रही है। शहीद परिवार जिनको बिना मांगे ये सुविधा दे देनी चाहिए थी उनको, उन सुविधाओं के लिए जिसका मांग का सिंदूर उजड़ गया हो, जिसके बच्चे अनाथ हो गए हों, वो आज शहीद की विधवा अपने शहीद के मूर्ति पर आवरण की पे आज धरने पे बैठी है, मैं समझता हूँ इससे बड़े अफसोस और दुख की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी की ओर से क्या मदद रहेगी? पूरी मदद रहेगी, एक एक समाजवादी इनकी हर लड़ाई में कदम से कदम मिला के साथ रहेगा, प्रशासन से बात करने से लेकर संघर्ष करने से समाजवादी लोग इनके साथ रहेंगे और इनकी हक की लड़ाई में इनका साथ देकर इनको हक दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सीएम के यहाँ ना आने का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं दिया जा रहा? नहीं, राजनीतिक मुद्दा क्या है, 100 मीटर पे आप आ रहे हो, कहाँ तुम देशभक्ति की बात करते हो, तुम्हें शहीद के घर जाने में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी में आने में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? इसका मतलब आपकी जो नेत है उसमें खोट है, आप उनको सुविधा नहीं देना चाहते, कोई बयान नहीं देना चाहते, इस वजह से आप बचने का काम कर रहे हैं। मिलने आए थे, एसडीएम सर आए थे, एडीएम सर आए थे और सपा अध्यक्ष भी आए थे, अभी अभी आए थे, तो वो कह के गए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और आप हिम्मत मत हारना, हम सरकार से आपका सहयोग करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी आए जैसे एडीएम और एसडीएम सर आए, तो उन्होंने क्या कुछ आपको क्या कुछ उन्होंने ये कहा है कि मान सरकार हाउस में और मान जी वो जिन्हें शर्मा जी आए हुए हैं वहाँ मिलने के लिए बुला रहे हैं, मैं तो मना कर दी कि मैं नहीं जाऊँगी। 3 बार आए हैं, चलो हम बुला रहे हैं, चलो बुला रहे हैं वहाँ, हमारी सुन लो, लेकिन हम नहीं गए, मैं खड़ी हूँगी नहीं यहाँ से, वो यहीं आएंगे। तो आपने मना कर दिया सीधे तौर पर कि आप यहाँ से नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, जब वोट पड़ते हैं जभी तो वो हमारे पास आते हैं, तो आज शहीद की खबर लेने के लिए यहाँ तक नहीं आ सके, मेरे पास में तो चले गए चाय नाश्ता करके। नहीं, कहते हैं झूठ झूठ होता है और सच सच होता है, सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होता, पुलिस चाहे तो सब कुछ संभव है। ऐसा ही एक कारनामा रायबरेली में देखने को मिला, जब सच्चाई खुली शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा के ऊपर फायरिंग की तो सभी की आंखें फटी रह गई। क्या इतने बड़े शायर का बेटा ऐसा कर सकता है? 28 जून को मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी कि उसके ऊपर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। इतने बड़े शहर की बात थी तो पुलिस भी लाव लश्कर के साथ घटनास्थल पर पहुंची। तबरेज राणा ने फायरिंग का आरोप अपने चाचा और बेटों पर लगाया, संपत्ति के विवाद में ऐसा करने को कहा। घटना के बाद देर रात रायबरेली पहुंचे शहर मुनव्वर राणा ने भी इसके लिए अपने भाई और भतीजों को जिम्मेदार ठहराया।
तो वहीं एसपी ने शहर कोतवाली के साथ एसओजी टीम को लगाया और जांच शुरू की। पुलिस की जांच में मुनव्वर राणा के बेटे तब्रेज राणा ने अपने ऊपर हमला करवाया था। इसके लिए हलीम और सुल्तान नाम के दो शातिर अपराधी किस्म के लोगों के माध्यम से सत्येंद्र और सुलभ नाम के लड़कों से फायरिंग करवाई। तब्रेज इस फायरिंग के माध्यम से जो शिकार करना चाह रहा था, एक तो उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वह सिरोही से चुनाव लड़ना चाहता था और सरकारी सुरक्षा लेने की इच्छा थी, जिसके लिए संपत्ति को तेजी से बेच रहा था, जिस पर उसके चाचा और उसके बेटे हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे इस मामले में सामने आने का मन बनाया तो फायरिंग का आरोप अपने परिजनों को लगा दिया। फिलहाल पुलिस की जांच में तब्रेज राणा दोषी पाए गए हैं और उन द्वारा जिन लोगों को माध्यम बनाया गया, सभी अलसही के साथ पुलिस हिरासत में पहुंचे। इस तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें तब्रेज नाम के व्यक्ति ने यह बताया था कि उसके ऊपर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ कि अनागरिकों को गिने लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ इत्यादि के क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तब्रेज राणा ने कुछ संपत्ति अपनी बिक्री की थी, पैतृक संपत्ति जो कि इनके हिस्से से अधिक थी, जिसको लेकर इनके चाचाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। और इस मुकदमे में तब्रेज ने उस भूमि विवाद का ही हवाला देते हुए अपने चाचाओं के ऊपर आशंका व्यक्त की गई थी। पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर ये बात सामने आई कि तब्रेज का एक साथी है हली और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फायरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं को के ऊपर मुकदमा लग जाता है तो ये लोग इस ज़मीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इनका तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्लान था और यह मुकदमा लग जाने पर इनको मीडिया कवरेज और सुरक्षा भी मिल जाती। इसको लेकर इन लोगों ने योजना बनाई। हलीम ने दो शूटर्स सप्लाई किए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। आज इन चार लोगों को, हलीम को, सुल्तान को, सत्येंद्र को और शुभम को, यानी दो योजनाकर्ता और दो जो शूटर्स थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वह पिस्टल जिससे कि यह घटना कारित की गई वह बरामद कर ली गई है, वो मोटरसाइकिल जिस पर ये आए थे वो बरामद कर लिया गया है। इन चारों लोगों को एविडेंस के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तब्रेज आज के डेट में हमारे वांछित हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां पारस हॉस्पिटल पर बोलने से बचते नजर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। क्लीन चिट देने के मामले पर अब चुप्पी साध गए हैं। डिप्टी सीएम बोले हैं कि स्तर पर जांच हुई है, अभी स्तर जारी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। शहीद की वीरांगना पत्नी के धरने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ज्यादातर मांग पूरी हुई है तो वहीं जल्द अन्य मांगे भी पूरी की जाएंगी। कोरोना के संक्रमण की जो द्वितीय लहर थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया और जो चिकित्सीय सुविधाएं थी वो अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के सरकार के द्वारा प्रयत्न किए गए। इसका परिणाम ये निकला कि जो न्यू इंडिया का न्यू उत्तर प्रदेश है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है और जो हमारे प्रदेश में इस समय पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी कम है। और आज भी अगर हम देखा जाए तो कोरोना टेस्ट हमारा रोज 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो न्यूनतम बिंदु की तरफ बढ़ रही है। आज 5,80,00,000 से भी ऊपर कोरोना टेस्ट हुए हैं। हमारा जो लक्ष्य है 10 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है हमारा। आज प्रदेश में 121 ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग चुके हैं। 51,000 गांवों में मनरेगा के 22,00,000 से अधिक श्रमिक हमारे काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक विकास यज्ञ हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया, चाहे चारों तरफ अगर आप देखें
तो एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, एक तरफ गंगा एक्सप्रेस वे है, तो तीसरी तरफ गोरखपुर रिंग रोड है, तो चौथी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। ये तमाम डिफेंस कॉरिडोर है। आप देखें तो 225 से ऊपर जो माध्यमिक के विद्यालय हैं मात्र 4 वर्षों में बनकर तैयार हुए हैं। अगर देखें तो 70 से ऊपर डिग्री कॉलेज हमारे बनकर तैयार हुए हैं। हमारे संकल्प पत्र में जितना दिया गया था उससे ऊपर के काम हुए हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय, हम लोगों ने कहा था 10 विश्वविद्यालय हम लोग बनाएंगे, आज हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि एक तरफ हमारा सहारनपुर में विश्वविद्यालय, दूसरी तरफ हमारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय, तीसरी तरफ हमारा जो है वो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, यानी ये शासकीय विद्यालयों का जहां निर्माण है, वहीं इससे मिलता हुआ विधि विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, और निजी क्षेत्र में भी आप देखें तो कई विश्वविद्यालय हमारे आधा दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालय बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रहा, उत्पादन के संबंध में अभूतपूर्व काम हुआ, 119 गन्ना मिले हमारी चलती रही, जबकि दूसरे लोगों ने गन्ना मिलों को बेचने का काम किया। चीनी का उत्पादन बढ़ा, गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का उत्पादन बढ़ा, क्रय केंद्रों के माध्यम से सरकारी स्तर पर रिकॉर्ड, आजादी के बाद रिकॉर्ड खरीद की गई, और 4 लाख से ऊपर हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। दिसंबर तक हम 1 लाख लोगों को, और दिसंबर या जनवरी तक का हम लोग 1 लाख के आसपास लोगों को और सेवारत करने वाले हैं। सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप में लाखों लोगों को, या यूं कहें अगर मनरेगा को भी मिला लें तो करोड़ों लोगों को हम लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, बैंकों द्वारा दिया गया ऋण हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में या बड़ी कंपनीज में निजी क्षेत्रों में लगाई गई नौकरियां हों, ये 5 लाख जो सरकारी नौकरियां होंगी उनके अलावा इस प्रकार के चाहे आईटी क्षेत्र में लाखों लोगों को नौकरी मिली हो। आज कोरोना के संक्रमण काल में भी भारी मात्रा में पूंजी निवेश हुआ है, ये अभूतपूर्व है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में हमने टारगेट रखा था कि मैं आईटी विभाग मेरे पास में है, मैं एक ही विभाग का केवल बता रहा हूं, पहले कि हमने लगा था कि 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख लोगों को नौकरी का होगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो केवल 3 साल में ही हमारा टारगेट पूरा हो गया। हमने नई नीति बनाई है जिसमें 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 4 लाख लोगों को सर्विस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में नौकरी उनको मिल सके, उसके लिए हमने प्रबंध किए। तो ये हमारी आज चाइना से कंपनी आ रही, वो भारतवर्ष में आ रही दूसरे देशों के बजाय, और भारतवर्ष में भी दूसरे प्रदेशों के बजाय वो उत्तर प्रदेश में हमारे अभी नोएडा में आप देखिए संतुलन ने लगाया। तमाम ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो दूसरे देशों से भी अगर कहीं जाती हैं तो भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश आ रही है। माफिया जो पुलिस तंत्र पर और जनतंत्र पर हावी होता था, उससे लोग जो भयभीत होते थे, आज भयभीत मुद्रा में अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के माफिया तत्व जो थे आज वो या तो शिक्षों में है या उत्तर प्रदेश से बाहर दिखाई पड़ रहा है। तो शासन की जो नीतियां थी वो मैंने आपको बताई। हमारा गांव-गांव तक जो 97,000 राजस्व गांव हैं, उनमें 74,000 से ऊपर जो हमारी निगरानी समितियां हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी आशा बहुएं, ग्राम सेवक और हमारे जनप्रतिनिधि या ग्राम प्रधान, सांसद और विधायक, इनके नेतृत्व में मेडिकल किट्स को बांटना, जो ट्रिपल टी है, टेस्ट करना, ट्रेस करना, ट्रीटमेंट करना, इनकी व्यवस्थाओं को जो गांव-गांव में किया है उसके सुपरिणाम आ रहे हैं। आज वैक्सीनेशन के प्रति जो आशंकाएं थी, या मैं कहूं कि कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिक दलों से भी जुड़े थे, जो शंका प्रदान की थी, उन्होंने पैदा की थी, उससे आज लोग मुक्त हो रहे हैं। तो ये एक सुशासन की स्थिति आई है। कई जगह पे मैं गया हूँ, ऑक्सीजन प्लांट नेल जो CHC है, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कई जगहों पर हमारे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, पीकू बेड्स का निर्माण हम लोग चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी हम लोगों ने किए हैं कि अगर तीसरी लहर की कोई संभावना बनती है और बच्चों को कोई संकट आता है तो हम पहले से अपने को तैयार रखे हैं। तो ये सारी तैयारियां का निरीक्षण हो,
गांवों में जाके लोगों की स्थिति को पूछें। ये सारा हमारा प्रदेश स्तर पर हमारे जो मंत्रीगण हैं अपने अपने जिलों में गए हैं। आज दो दिन से मैं भी आगरा के कुछ ब्लॉकों पर जाने का, मुझे कुछ गांवों में कुछ जो मृतक हो गए थे उनके परिवारों से मिलने का अवसर मुझे मिला है। और हमारे जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार से लोग घरों में दुबके पड़े थे, कुछ प्रमुख दलों के लोग वहां पे, हमारे चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, गांव-गांव सेवा ही संगठन के नाम से कामों को करते हुए, कार्यों को करते हुए दिखे हैं। और अब मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया है, शासन प्रशासन ने जो काम किया है, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। इसका नतीजा हमारे लिए भी कुछ दुखद रहा कि हमारे कुछ जो विधायक थे, 5-7 विधायक थे, जो हमारे 3-3 मंत्री थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। कई मंत्री हमारे संक्रमित भी हुए और कई एमएलए हमारे दर्जनों की तादाद में संक्रमित हुए। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे दल के लोग, हमारे दल के प्रतिनिधि गांव-गांव जहां पर गए, जगह जगह पर जहां पर गए, वहीं कुछ दलों के बड़े नेता लोग ने बैठ के, घरों से बैठ के ट्वीट किए, सरकार के कामों में बाधा पड़े इसके प्रयत्न किए, वैक्सीनेशन कैसे दुष्प्रचारित हो इसके लिए वक्तव्य दिए। इन बाधाओं के बीच में भी हमारी सरकार ने और हमारी जनप्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज भी मैं कुछ ब्लॉक में, कुछ गांवों में जाने का अवसर मुझे मिलेगा। आज भी शाम तक, रात तक मैं अलग अलग जाऊंगा। मैं यही कह सकता हूं कि आज स्थितियां बदली हैं और प्रदेश सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट भी सराहना कर रही हमारी व्यवस्थाओं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई है कि जो श्रमिकों का प्रबंधन हम लोगों ने किया है, उसका भी एक प्रशंसा माननीय न्यायालयों के द्वारा भी हुई है। WHO ने अलग से हमारे बारे में अपना विचार रखा है, नीति आयोग ने भी रखा है। खुद मुख्यमंत्री संक्रमित होने के बाद भी एक दिन का गैप किए बगैर लगे रहे, जिस दिन से निगेटिव हुए उस दिन से लगातार पूरे प्रदेश का सघन प्रवास करते रहे। तो आज का प्रतिफल है कि आज कोरोना की जो भयावह स्थिति है उसको हम लोग नियंत्रण करने की तरफ बढ़ गए। मंत्री जी, खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां बदमाशों ने मर्डर की घटना को अंजाम दिया। बिहार में आए दिन आपराधिक बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जहां बदमाशों ने मर्डर की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दो युवकों को गोलियों से भून दिया। मामला बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के NH31 स्थित ज्ञान भारती स्कूल के समीप बदमाशों की है, जहां दो युवकों को गोली मार दी गई। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के विरोध में लोगों ने NH31 को जाम कर दिया। मृतक युवक की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के मालती पीपरा निवासी मनोज सिंह के 22 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार, जबकि घायल की पहचान हरख कोठी निवासी संतोष कुमार, 20 वर्षीय पुत्र अंश सुमन भारद्वाज उर्फ राजा कुमार के रूप में हुई है। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने मृतक के शव को घटनास्थल के समीप NH31 पर रखकर सड़क जाम की। जानकारी के अनुसार घटनास्थल के समीप 7-8 की संख्या में युवकों में झड़प हो रही थी। इस दौरान एक पक्ष के युवकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मृतक को 4 गोलियां लगी तो वहीं घायल के दाहिने सीने में गोली लगी। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। खबर कासगंज से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने कासगंज जनपद के सोरो ब्लॉक के ग्राम पंचायत होडलपुर में की गई किसान पंचायत भाकियो किसान के युवा नेता शिवम बघेल के नेतृत्व में की गई। वहीं अध्यक्षता अनिल राजपूत, जिला अध्यक्ष भाकियो किसान ने ग्रामवासियों की सबसे बड़ी समस्या बिजली न मिलने की है। गाँव के बीचों बीच 11,000 की लाइन जाने से लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तार टूटने से बड़े हादसे भी गांव में हो चुके हैं। किसान नेता शिवम बघेल के नेतृत्व में किसान पंचायत हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं को सुना गया। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द बिजली की समस्या समाधान को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से समाधान के लिए बात की जाएगी। किसान पंचायत में जिलाध्यक्ष अनिल राजपूत, शिवम बघेल युवा जिलाध्यक्ष, हरिकृष्ण जिला प्रभारी आदि मौजूद रहे। Drive.
राजस्थान। समृद्ध विरासत है इसकी शान।